शिवपुरी जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां बारातियों से भरी बस को रोककर इन पर हमला किया गया। रात में शादी के दौरान विवाद हुआ था, लड़की वालों को जबलपुर लौटना था। जैसे ही बस शहर के बाहर निकली, करीब एक दर्जन हथियार बंद लोगों ने बस पर हमला कर दिया। महिलाओं और बच्चों से छेड़खानी और लूट की गई। इस पर पथराव से एक दर्जन महिलाओं और बच्चों को हल्की चोटें आई हैं। फिजिकल थाना पुलिस कार्यवाही कर रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कल शिवम पैराडाइज गार्डन में एक शादी थी। शिवानी बच्ची का नाम था और विवेक भार्गव लड़की का नाम था। इस शादी में लड़के वालों ने कुछ गुर्जर समाज के लोगों को भी बुलवाया था, जिनमें ज्ञानेन्द्र गुर्जर, विजय गुर्जर यही शिवपुरी के थे। इनका लड़की वालों से कुछ विवाद हुआ है खाने पीने को, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, उस समय शांति हो गई थी। आज जब ये लड़की वाले शादी करने के बाद अपने घर दिनारा जा रहे थे, तो गुर्जर समाज के दो ये लड़के हैं, विजय और ज्ञानेन्द्र, तथा इनके साथ 8-10 लोग थे। इन्होंने घेर कर कल की बात को लेके इनकी मारपीट की और शराब के लिए पैसे मांगे। महिला से बात हुई है, लूटपाट नहीं। उसका मंगलसूत्र और चैन और कान पर गिर गया था बाद में। हथियार क्या लिए थे, लाठी बताई है अभी, तो बाकी हम तस्दीक कर रहे हैं। घायल है कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग घायल है, 4-5 लोग घायल है जिनका मेडिकल हुआ है। सर, इनका कोई आपराधिक प्रकरण नहीं पहले से? अपराध पूर्व से आपराधिक प्रकरण विजय का है और हम सारा डिटेल निकाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।